हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर महासंघ ने प्रदेश की जयराम सरकार से आग्रह किया है कि लॉकडाउन के दौरान हिमाचल प्रदेश पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स माफ किया जाए। महासंघ के संरक्षक प्रेम सूद व महामंत्री रमेश जरियाल ने कहा है कि इस दौरान इंश्योरेंस प्रीमियम भी माफ होना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस मसले को केंद्रीय वित्त मंत्रालय से उठाए ताकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर माफ करवाया जा सके। सूद व जरियाल ने कहा कि हिमाचल परिवहन विभाग की एक नोटिफिकेशन में लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान यानी 21 मार्च से लेकर 31 जुलाई 2020 तक नॉन ऑपरेशनल डे माने जाएंगे। इसी अधिसूचना के आधार पर पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स को माफ किया जाना चाहिए। मैं इसलिए आज मीडिया के समक्ष प्रदेश सरकार से आग्रह करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि प्रदेश सरकार ने 14 मई 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी की थी परिवहन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जगदीश चंद शर्मा के हस्ताक्षरों से, जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना पीरियड जो है उसे नॉट पेड बाय ट्रीटिंग नॉन ऑपरेशनल डेज ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड फ्रॉम 21 to 31 2020 तक जो है माना गया, और हमारा जो टैक्स था परिवहन विभाग का उसे वेव ऑफ किया गया है, और जिसको जमा कराने की पहले अधिसूचना जो है इसके अनुसार हम 30 जून तक इस टैक्स को जमा करा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज हैं जिनके तहत हमारे वाहन जो हैं वो हर साल एक बड़ा अमाउंट प्रीमियम का देके अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि MBX के तहत वो मैंडेटरी है, हमें इंश्योरेंस करवानी ही पड़ती है। तो जब हमारी गाड़ियाँ नहीं चली तो इन महीनों के अंदर हमारा जो है वो किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं बना, कोई दुर्घटना नहीं घटी, क्योंकि गाड़ियां खड़ी थी, हम लोग लॉकडाउन के अंदर बंद थे। तो ये जो प्रीमियम की छूट भी इसी आधार पे जो सरकार ने खुद ये नोटिफिकेशन जारी की है और इसे शब्द दिया है नॉन ऑपरेशनल डेज, तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए ऊपर भी लागू हो और इन दिनों का प्रीमियम भी हमें माफ़ किया जाए, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि वो इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो हैं वो आज लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा गई हैं इस पीरियड के दौरान, तो वो उसमें हमें राहत प्रदान करें। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कोविड-19 के दौरान सरकारी विभागों में ड्यूटी देने वाले टैक्सी चालकों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। मेरी मांग रहेगी प्रदेश सरकार से, जहां उन्होंने समाज के हर वर्ग को कोरोना योद्धा की संज्ञा दी है, तो टैक्सी ऑपरेटर्स जो 21 मार्च से ही विभिन्न विभागों में, चाहे वो पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, जिला प्रशासन है, चाहे वो टैक्सीज किसी ठेकेदार की माध्यम से लगी या सिंगल ऑपरेटर के माध्यम से लगी हैं, तो उनको चलाने वाले जो टैक्सी ड्राइवर थे उन टैक्सी ड्राइवरों को भी इस कोरोना योद्धा की श्रेणी में शामिल किया जाए, जिससे अगर उनके साथ इस लड़ाई को लड़ते लड़ते कोई हादसा पेश आता है तो उनके परिवारों को भी एक सुरक्षा कवच मिल सके। मेरा सरकार से ये आग्रह रहेगा कि इस कैटेगरी को भी ये कोरोना योद्धा की श्रेणी में शामिल किया जाए। इसके साथ ही सरकारी विभागों में टैक्सी बाबत ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे ऑपरेटर को कोरोना काल में कमीशन देनी पड़ रही है। प्रदेश में वर्तमान में एक हर विभाग में टैक्सी लग रही है, वो टैक्स ठेका प्रथा के अंदर तर्गत चल रही है, जिसमें टैक्सी ऑपरेटर को एक निर्धारित कमीशन देना पड़ता है। तो इस कमीशन प्रथा को बंद करने के लिए प्रदेश स्तर पर ठेका प्रथा को निरस्त कर जो प्रदेश में पंजीकृत टैक्सी यूनियंस हैं उनके माध्यम से विभिन्न विभाग विभिन्न अधिकारी अपने टूर पर जाने के लिए गाड़ियां हायर करें, इससे जहां इस
बेरोजगारी के समय में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें टैक्सी ऑपरेटर को कुछ काम मिलना शुरू होगा। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।